गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आज हम फिर से आप सभी के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री के यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान के जो संपूर्ण रसायन विज्ञान हम लोगों का सीरीज चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गया हूँ, जिसमें आज हम आज की इस लेक्चर में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के जरिए पूरा चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। गाइस देखिए, इस समय क्वेश्चन के जरिए पढ़ने से बेनिफिट यह होगा कि आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, साथ में क्वेश्चन करने का तरीका आप लोगों को पता चल जाएगा। गाइस पिछले कुछ दिनों से हम क्लासेज नहीं ले पा रहा था, इसका वजह था स्वास्थ्य। स्वास्थ्य खराब था, तबीयत सही नहीं था, इसलिए आपकी क्लासेज नहीं ले पा रहा था। अभी भी तबीयत पूरा सही नहीं हुआ है, खांसी वगैरह क्लास के बीच में आएंगी क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप लोग उसे मैनेज कर लेना। साथ में थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाएंगे ताकि खांसी वगैरह ना आए, इसे आप लोग मैनेज कर लेना। और क्लास में पूरी कंसंट्रेशन के साथ में बैठना। एक बार सभी लोग, जितने लोग बैठे हैं सभी लोग जय माँ सरस्वती लिखें और माँ सरस्वती को याद करें, और अपनी पुरानी वाली कॉपी लेकर आएँ या पुराना वाला पेज लेकर आएँ, जहाँ तक हम कराए थे उसी के आगे आज के इस लेक्चर में कराने वाले हैं। और मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन लिखने के बाद कुछ सेकंड रुकूंगा, कुछ टाइम दूंगा आप लोगों को अपने से सोचने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग क्वेश्चन को एक बार पहले पढ़े होंगे। सोचना जरूर अपने से लो, आप लोग जरूर अपने से एक बार अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करने से क्या होगा कि आपके पास दो स्थिति होगी, या तो क्वेश्चन आपको आएंगे या फिर नहीं आएंगे, या फिर थोड़ा मोड़ा आएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं आएंगे तो जब मैं आंसर कराऊंगा तो याद हो जाएंगे, अगर क्वेश्चन आएंगे या थोड़ा मोड़ा कहीं पर बज रहे होंगे या कुछ चीज़ें आपको गलत आ रहे होंगे तो ये चीज़ें आपको पता चलेगी, गलती क्या हो रही है, कहाँ आपको नहीं आ रही, तो उन चीज़ों को आपको तैयार कर लेने हैं। और जब हम बताएंगे तो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना आप लोग, तो तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए बात को ध्यान रखना आप लोग। तो गाइस चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, देखिए अगर आप पहले से नहीं पढ़े तो भी आप लोग ध्यानपूर्वक समझना, एक एक क्वेश्चन को लिखते चलना, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए, पर टिप्पणी लिखिए, क्या है निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। अभिक्रिया क्या है, पहला रोजन मुंड अभिक्रिया, रोजन मुंड अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया क्या है, दूसरा अभिक्रिया है आपका इटाई इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड। अभिक्रिया, अब जितने लोगों को ये क्वेश्चन आ रहे हैं वे लोग सीधे सीधे क्वेश्चन को लिखने स्टार्ट करें। वी कार्बोक्सिलीकरण, ये तीनों अभिक्रियाओं पर आपको टिप्पणी लिखना है। कितने लोगों को ये क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कितने लोगों को ये मालूम चल गया कि हाँ ये रोजन मुंड अभिक्रिया में इसके इसके साथ में अभिक्रिया होती है, टार्ड अभिक्रिया में इसके साथ अभिक्रिया होती है, या फिर विकार्बोसिलीकरण में क्या होता है, किनके दिमाग में यह आ चुका है। देखिए पढ़ने का अच्छा तरीका यही होता है, अगर मैं चाहता तो पहले एल्डिहाइड के बारे में बताता और एल्डिहाइड के सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन से एक साथ करा देता, मुझे आसानी होती, लेकिन आपके क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं हो पाता, बेनिफिट आपका नहीं होता, आपको ध्यान में रखकर ये चीज़ें कराई जा रही हैं। तो ये मत बैठना कि क्लास में बैठकर आप लोग आँख कान बंद करके जो मैं बता रहा हूँ उसी को ध्यान देना, नहीं, कुछ अपने से भी सोचना है आपको। ये रोजन मुंड अभिक्रिया क्या होता है अपने से दिमाग लगाना है, क्या होता है, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो जो मैं कराऊंगा उसको ध्यानपूर्वक देखना है, इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा कुछ दिनों तक, ठीक है। तो रोजन मुंड अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिए हम इन दोनों को रब कर दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले रोजन मुंड अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करते हैं। रोजन मुंड अभिक्रिया में सबसे पहला पॉइंट यह कि रोजन मुंड अभिक्रिया जो होता है यह एक अपचयन प्रकार की अभिक्रिया होती है। देखिए मैं पॉइंट वाइज आपको लिखाता हूं ताकि पॉइंट वाइज याद रखने में भी आसानी होगी, पहली बात। दूसरी बात यह कि एग्जामिनर के सामने जब लिखोगे पॉइंट वाइज तो एग्जामिनर पर अलग इफेक्ट जाता है, शायद आप लोग इससे पहले ऐसे नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। क्या होता है रोजन मुंड अभिक्रिया, यह एक अपचयन अभिक्रिया होता है,
अभिक्रिया होता है। कैसी अभिक्रिया होता है? यह एक रोजनमुंड जो अभिक्रिया होती है, एक प्रकार का अपचयन अभिक्रिया होती है। दूसरा पॉइंट क्या है रोजनमुंड अभिक्रिया में, कि इस रोजनमुंड अभिक्रिया में जो अपचयन होता है यह एस्टिल क्लोराइड का अपचयन होता है, और यह अपचयन आपका लेड और BaSO4 के उपस्थिति में होता है। इसमें एस्टिल क्लोराइड का अपचयन लेड यानी PB लेड और BaSO4 के उपस्थिति में होता है बात समझ में आई? इसमें अपचयन किसका होता है और किसके उपस्थिति में होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए, एस्टिल क्लोराइड का अपचयन होता है किसके किसके उपस्थिति में होता है, लेड और BaSO4 के उपस्थिति में होता है। तीसरा पॉइंट याद रखना, यह अपचयन करके किसमें क्या देता है, अपचयन करने के पश्चात यह आपका एल्डिहाइड बनाता है, यह अपचयन के पश्चात क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। तीनों बात समझ में आई? सबसे पहली बात क्या है कि रोजनमुंड अभिक्रिया जो होता है यह एक प्रकार का अपचयन अभिक्रिया होता है। क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया होता है। कितने लोगों को यह बात मालूम था? अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? अपचयन में किसी भी कोई भी अभिक्रिया हो, अभी आपको अभिक्रिया से नहीं मतलब, अभिक्रिया की बैकग्राउंड जानना चाहिए। अभिक्रिया में क्या होता है, रोजनमुंड अभिक्रिया में क्या होता है, यह एक प्रकार का अपचयन अभिक्रिया होता है। इसमें जो होता है एस्टिल क्लोराइड का अपचयन पीबी मतलब लेड, जिसे आप लोग सीसा भी कहते हो, और BaSO4 के उपस्थिति में होता है। तीसरी बात यह है कि इसमें जो बनता क्या है, एल्डिहाइड बनता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, कोई भी अभिक्रिया अगर उसमें अपचयन होता है तो उसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। अब आइए देखते हैं कैसे हाइड्रोजन जुड़ता है। देखिए ये आपका एस्टिल क्लोराइड RCOCl, ये क्या है आपका एस्टिल क्लोराइड है, यह आपका एस्टिल क्लोराइड है। इसकी अपक्रिया जो है किसके साथ में हो रही है, यहाँ पर इसकी अपक्रिया जो है इसका अपचयन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और उपस्थिति क्या है यहाँ पर, PB प्लस BaSO4 की उपस्थिति में, यानी इसका अपचयन PB और BaSO4 की उपस्थिति में इसका अपचयन हो रहा है। अपचयन होने के पश्चात देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है यानी RCHO बना देता है। बात समझ में आई? यहाँ पर देखिए एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जुड़ गया। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको जानना चाहिए कि कोई भी अभिक्रिया अगर वहाँ पे अपचयन होता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ता है, अगर ऑक्सीकरण होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है। बात समझ में आई? अगर अपचयन होगा तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। बात समझ लेना आप सभी लोग, अगर अपचयन होगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, अगर ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है। अपचयन होगा तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखना ये एस्टिल क्लोराइड है, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन BaSO4 और PB लेड की उपस्थिति में जब इसका अपचयन होता है, कुल मिला जुला कर रोजनमुंड अभिक्रिया होता है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ये आपका एल्डिहाइड के साथ में HCl बना देता है, ये आपका एल्डिहाइड है। अब ये तो आपका एक स्टेटमेंट हो गया, मतलब एक तरह से ये अभिक्रिया हो गई, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल लिखना है तो R क्या है पर आप कोई भी एक कंपाउंड लिख कर इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर C6H5COCl ये लेता हूँ, जिसे हम लोग कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड, इसका अपचयन कराते हैं तो क्या होने वाला, जहाँ पर ये है CR है वहाँ पर C6H5 हो जाएगा, PB प्लस BaSO4, यहाँ पर क्या हो जाएगा C6H5CHO प्लस HCl हो जाएगा, ये पूरा अभिक्रिया होगी, और इस पूरी अभिक्रिया को कहते हैं रोजनमुंड अभिक्रिया। देखिए टाइम लग रहा है, मैं बढ़ाऊँगा तो टाइम लगेगा ही, अगर आप क्या चाहते हो
चीज़ों को तेज़ी से पढ़ाकर ख़त्म कर दें, सही सभी चीज़ों को न समझाएं, या आप ये क्या चाहते हो, क्वेश्चन को छोड़ दें? जो कुछ भी करूँगा घाटा आपका होने वाला है, इसलिए जितना भी हो रहा है समय है, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते चलिए, क्लास को स्किप मत करना, नहीं तो बहुत ही बड़ी नुकसान आप ही लोगों का होगा। ठीक है, नोट करिए आप सभी लोग इसे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि कैसे प्राप्त करोगे एस्टिल क्लोराइड से एल्डिहाइड, या कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज पे मत जाना, क्वेश्चन को पूरी तरीके से ध्यान रखना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे प्राप्त करोगे, वैसे मैं कैसे प्राप्त करोगे इसका अलग से प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, फिर भी अगर यहाँ से भी आप लोग समझते चलेंगे तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अब रिएक्शन याद करने के लिए यही तरीका है, एक एक रिएक्शन को समझाते चलें तो समझ में आएगा, आप लोगों को याद भी होगा। अब आराम से चलेंगे, अभी जब तक डेट नहीं आता तब तक आंधी तूफान बनने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, कितने लोगों को इटार्ड अभिक्रिया आ रही थी? क्या होता है इटार्ड अभिक्रिया में, कुछ समझ में आ रहा है कि सब कुछ भूल गए, दिमाग से सब कुछ चला गया? अरे ऐसे चले जाएगा तो फिर परसेंटेज भी आएगा वही जीरो। हाँ, क्या होता है इटार्ड अभिक्रिया? देखिए इटार्ड अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें जो है टायुलिन की अभिक्रिया, टायुलिन की अभिक्रिया, टायुलिन की अभिक्रिया, क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड, टायुलिन क्रोमिल क्लोराइड, यानी क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, इसकी उपस्थिति में, ये देखिए टायुलिन की अभिक्रिया CrO2Cl2 इसके उपस्थिति में, साथ में CCl4 और CH2 की उपस्थिति में, CCl4 और CH2 की उपस्थिति में, के उपस्थिति में कराई जाती है। पहला पॉइंट तो समझ में आया आप लोगों को, इसमें किसकी अभिक्रिया किसके साथ में होता है, इसमें टायुलिन की अभिक्रिया होती है, टायुलिन के बारे में तो आप लोग जानते हैं, टायुलिन की अभिक्रिया होती है किसके साथ में होता है, CrO2Cl2 और CCl4 और CH2 की उपस्थिति में, CrO2Cl2 के साथ में होती है, और क्रिया के में उपस्थित कौन कौन होते हैं, CCl4 और CH2 होते हैं। एक तरह से आप एक कहानी समझिए, अभिक्रिया का मतलब एक शादी समझ लीजिए, शादी में दो लोगों की शादी होती है, एक गर्ल्स एक बॉयज, ठीक है, शादी दो लोगों की होती है, लेकिन उपस्थिति में कौन कौन होते हैं वहाँ पे, पहली बात तो पास में बाबा जी होते हैं, जो तो कंपलसरी होते हैं बाबा जी, जिनकी उपस्थिति में अलग अलग धर्म में अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन होते हैं, ये नहीं कि किन्हीं बिना किसी की उपस्थिति में शादी हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, हर एक कंडीशन में चाहे आप मंदिर में जाए जाए जहाँ पर जाएँ कोई ना कोई होता है, यहाँ पर भी अभिक्रिया किन्हीं दो के बीच में होगा, उपस्थिति में इन दोनों की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। ठीक है, इन लोगों को आप लोग बाबा जी समझ सकते हैं, और बाकी ये दो लोग जो और हैं ये आप लोग होंगे, आप लोगों का मतलब शादी किसी और का, आप लोग तो जरूर जाते हो मीठा खाने के लिए, तो ये आप ही लोग समझ सकते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखने का एक तरीका है, समझने का एक कंसेप्ट है, समझ सकते हो आप लोग ऐसे। टायुलिन की अभिक्रिया CrO2Cl2 जिसे आप लोग कहते हो क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में CCl4 और CH2 के, यानी देखिए टायुलिन की अभिक्रिया जो है CrO2Cl2 के साथ में
इन दोनों की उपस्थिति में कराई जाती है। और जब ये कराई जाती है तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वह प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है, बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। और इस पूरी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। मेरी एक बात मानोगे आप लोग, ये याद रख लेना क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछता है, ठीक है, कि इटार्ड अभिक्रिया में ये किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। आइए इसका हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। टायोलिन का सूत्र आप लोग जानते हो, यही टायोलिन है ना, ये तो टायोलिन है आपका, यहाँ पर CH3 जुड़ा होता है, ये टायोलिन हो गया। इस टायोलिन की अभिक्रिया कराएंगे हम लोग क्रोमिल क्लोराइड, मतलब 2Cr2O2Cl2 की उपस्थिति में। साथ में यहाँ पर उपस्थित कौन कौन होंगे, मीठा खाने के लिए कौन कौन गए होंगे, CCl4 होगा और CH2 होगा। ये दोनों लोग तो मीठा खाने के लिए गए थे, ये जो क्रोमिल क्लोराइड है आपका, ये तो जिसके साथ में अभिक्रिया होती है, इसके साथ में जब ये अभिक्रिया करता है तो बनाता है बेंजल डिहाइड। ये आप लोग इस तरह से बेंजल डिहाइड को लिख सकते हो, CHO यहाँ पे जुड़ जाता है। यानी कि ये जो होता है टायोलिन से बेंजल डिहाइड प्राप्त करने की एक अभिक्रिया होती है, कौन अभिक्रिया होती है, ये इटार्ड अभिक्रिया। साथ में कुछ और लोग और बनते हैं, साथ में कुछ लोग और बनते हैं, कुछ लोग में कौन कौन बनता है, 4HCl प्लस 2H2O ये बनता है आपका। ये पूरी अभिक्रिया है, क्या, इटार्ड अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, इटार्ड अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, मैंने क्या आपको बताया एक बार और समझ लीजिए, इसमें जो है टायोलिन की अभिक्रिया CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड और CCl4 और CH2 की उपस्थिति में होती है, इसमें बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है और इसमें इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका टायोलिन है, टायोलिन है, ये आपका क्रोमिल क्लोराइड है, क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है, ये जो है आपका, इसकी उपस्थिति में ये क्रिया हो रही है तो यहाँ पर ये बेंजल डिहाइड बनाए, आप हिंदी दिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। इस पूरी अभिक्रिया को कहते हैं इटार्ड अभिक्रिया, क्या कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने कौन सा एक क्वेश्चन दिया था, विकार्बोसलीकरण। चलिए इसके बाद का जो एक क्वेश्चन था उसको मैं नहीं करा रहा हूं, अपने से आप लोग करना, इजी क्वेश्चन है, या करा ही दूं, क्या करें, क्या कह रहे हो आप लोग बताओ। चलिए विकार्बोसलीकरण के बारे में करा देते हैं, ठीक है। अब चीज़ें समझना है तो टाइम लगेगा ही, 2 मिनट में तो नहीं समझा सकते हैं। विकार्बोसलीकरण अभिक्रिया, और सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, चार ना, तीसरा, वी कार्बोसली करण, वी कार्बोसलीकरण क्या मतलब है, वी कार्बोसलीकरण का किसे कहते हैं, वी कार्बोसलीकरण, कुछ आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, अगर आ रहा है तो एक बार सोचिए जरा, वी कार्बोसलीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं विकार्बोसलीकरण। देखिए विकार्बोसलीकरण का मतलब ये होता है कि कार्बोसलिक समूह, जैसे CO, इसे आप लोग कहते हो कार्बोसलिक समूह, समूह इसे कहते हो आप लोग कार्बोसलिक समूह, इस कार्बोसलिक समूह को गायब करना, विकार्बोसलीकरण का मतलब क्या होता है, किसी भी रिएक्शन से COO जिसे आप लोग कार्बोसलिक समूह कहते हो उसे गायब करना। कैसे गायब करते हैं सर, क्या होता है रिएक्शन, इसके बारे में बताइए आप। देखिए कार्बोसलिक जो अम्ल होता है उसके सोडियम लवण को
सोडा लाइम के साथ में गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो COOH कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं बीकार्बोसिलीकरण। ठीक है, देखिए कार्बोसिलिक अम्ल के सोडियम लवण को कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को, ठीक है, सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म करने पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस पूरे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विकार्बोसिलीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विकार्बोसिलीकरण कहते हैं। मैंने 60 में आपको बता दिया विकार्बोसिलीकरण मतलब इस कार्बोसिलिक समूह को गायब करना। कैसे गायब करते हैं, कार्बोसिलिक समूह के सोडियम लवण को सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म करते हैं। किसके उपस्थिति में गर्म करते हैं, सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है, तो इस पूरे रिएक्शन को क्या कहते हैं, विकार्बोसिलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकार्बोसिलीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखिए आपका एक सोडियम लवण है RCO, यानी इस सोडियम लवण का सोडा लाइम के साथ में गर्म करते हैं। इस सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ में गर्म करते हैं। सोडा लाइम का मतलब NaOH और CaO की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये CO जो है इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और ये CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है। साथ में क्या बचता है, RNA बचता है। तो इस पूरे रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस पूरे रिएक्शन को कहते हैं हम लोग बीकार्बोसिलीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो RNA है ना, ये सोडियम जो है ये बाद में आपस में क्रिया करके वहाँ से ये निकल जाता है और यहाँ पर RH हो जाता है, RH हो जाता है। क्या हो जाता है, RH हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, RH हो जाता है। ठीक है, इसे नोट करिए आप सभी लोग, इसे आप लोग नोट करिए। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है कि विकार्बोसिलीकरण के बारे में टिप्पणी लिखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे कार्बोसिलिक अम्ल से मेथेन, कार्बोसिलिक अम्ल से मेथेन कैसे प्राप्त करोगे। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग सपाट हो जाओगे, क्लीन बोर्ड हो जाओगे, सर ने बताया नहीं था। लेकिन जो मैंने चीख चीख कर बता रहा हूं कि कार्बोसिलिक अम्ल से, कार्बोसिलिक अम्ल मतलब CH3COOH, ये कार्बोसिलिक अम्ल है, इससे आपको मेथेन प्राप्त करना है, तो इसका विकार्बोसिलीकरण करा देंगे तो ये CO2 बाहर निकल जाएगा और यह H आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, यह H यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा और आपका मेथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा। जब गर्म करते हैं तो ये मेथेन बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर सोडा लाइम मतलब NaOH और CaO की उपस्थिति में गर्म कराते हैं तो ये CO2 बाहर निकल जाता है, CO2 बाहर निकल गया, साथ में बना क्या, CH3 तो आपके पहले से आपके पास में था ये वाला, और साथ में यह H आकर जुड़ गया, इसे कहते हैं मेथेन। तो कार्बोसिलिक अम्ल से मेथेन कैसे प्राप्त करेंगे, विकार्बोसिलीकरण अभिक्रिया के जरिए प्राप्त करेंगे। कैसे रिएक्शन होगा, सर रिएक्शन ऐसे होगा, यहाँ पर ये कार्बोसिलिक अम्ल है, क्या है, कार्बोसिलिक अम्ल है, कार्बोसिलिक अम्ल है, इस कार्बोसिलिक अम्ल का ये सोडा लाइम, इस सोडा लाइम के साथ में गर्म करते हैं तो यहां पर मेथेन प्राप्त हो जाता है। ये पूरा रिएक्शन है,
ये वी कार्बोक्सिलिक अम्ल का वी कार्बोक्सिलीकरण का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा जाता है और महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे नोट करिए आप सभी लोग। हो गया, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आ रहा नहीं है आप लोगों को, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ाई लिखाई छूट गया होगा तो कहाँ से आएगा, कुछ ही लोग पढ़ रहे हैं, बाकी सब लोग तो मस्ती कर रहे हैं। समझ में आ जाएगा आप लोगों को भी, समय को बर्बाद मत करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि आपको एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की, एक मिनट, एल्डिहाइड जाने दीजिए, एल्डिहाइड ज़्यादा पूछता है, एल्डिहाइड बनाने की किन्हीं दो विधि लिखें, वैसे तो पूछता है दो ही विधि, लेकिन मैं 3 विधि करता हूँ, 3 सामान्य विधि का वर्णन करें। समझ में आया, एल्डिहाइड बनाने की किन्हीं 3 सामान्य विधि का वर्णन करें, ये क्वेश्चन है, यानी एल्डिहाइड बनाने की 3 सामान्य विधि के बारे में आपको बताना है। कैसे बनाओगे एल्डिहाइड, कौन 3 सामान्य विधि आपके पास है, ये बात कमेंट करके सभी लोग बताएं। वैसे मैंने आपको अभी अभी एक विधि का बता दिए हैं, एक विधि मैंने अभी आपको बताया था रोजन मुंड अभिक्रिया के द्वारा, रोजन मुंड अभिक्रिया के द्वारा, इसके द्वारा भी आप लोग एल्डिहाइड बनाते थे। कैसे बनाते थे, इसमें 3 स्टेप था, पहला स्टेप मैंने बताया था कि इसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अपचयन होता है, दूसरे स्टेप में मैंने आपको यह बताया कि इसमें जो है लेड और PbSO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और इसमें एल्डिहाइड बनता है, एस्टिल क्लोराइड की क्रिया होती है, ये मैंने आपको बताया था। तो एक विधि तो आपका ये रोजन मुंड अभिक्रिया वाला हो गया, जिसको मैं नहीं बताने वाला हूँ, मैं अलग से विधि बताऊँगा। रोजन मुंड अभिक्रिया में क्या हो रहा था, आपका अपचयन हो रहा था, अपचयन हो रहा था ना, अपचयन का मतलब इसमें क्या हो रहा था, हाइड्रोजन जुड़ रहा था, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन अब मैं जो विधि बताने जा रहा हूँ यह आपका ऑक्सीकरण विधि है, इस विधि में आपका ऑक्सीजन जुड़ेगा, बात समझ में आई, इसमें आपका ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन की संख्या कम होगा। ऑक्सीकरण में 2 चीज़ें हो सकती है, या तो ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन का संख्या कम हो, बात समझ में आया। ऑक्सीकरण में करण में 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आपका ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, ठीक है, ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, किसमें, ऑक्सीकरण में। इसी तरह से अपचयन में भी हो सकता है, अपचयन में क्या होगा, या तो हाइड्रोजन जुड़े या फिर ऑक्सीजन की संख्या कम हो। अब हम आपको ऑक्सीकरण विधि के द्वारा कैसे एल्डिहाइड प्राप्त किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहला आप लोग लिख सकते हैं एल्कोहल से, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से पहला विधि आप लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड बनाने का विधि है कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण से। देखिए कोई भी एल्कोहल आप ले लेते हैं, जैसे RCH2OH, ये आपका एक एल्कोहल है, इस एल्कोहल का आप ऑक्सीकरण कराते हैं, किसकी उपस्थिति में कराते हैं सर, किसके उपस्थिति में इसकी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, ये होता आपका K2Cr2O7 और तनु H2SO4 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है, इसके उपस्थिति में इस अभिक्रिया कराते हैं, इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, किसका, एल्कोहल का, तो क्या बनता है आपका, एल्डिहाइड बनाता है।
आर सी एच ओ प्लस एस टू, यहाँ पर क्या हो रहा है, आर सी एच टू एस टू ओ, सॉरी ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन तो था, सॉरी एक ऑक्सीजन तो था पहले से, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हुई है, इसलिए इसको कहेंगे ऑक्सीकरण। बात समझ में आई आप लोगों को, ऑक्सीकरण अपचयन तो पहले से पड़े होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। ऑक्सीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या कम हो सकती है या फिर ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो सकती है, दोनों एक साथ भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ हो रही है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या तो समान ही है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन थे, लेकिन यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन संख्या कम हो रही है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है इस प्रक्रिया में। तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से आपका एल्डिहाइड बनता है, एक ही अभिक्रिया हो गया। तो इस तरह से आप लोग एल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लो मेथनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए आपसे कह दिया जाए, कैसे प्राप्त करोगे, पूछता भी है कैसे प्राप्त करोगे, करोगे मेथनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड, तो कैसे आप लिखोगे, किस प्रकार से रिएक्शन को लिखोगे, मेथनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड, मेथनॉल का सूत्र क्या होता है CH3OH, इससे आपको, इससे फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त करना है। फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए आपको इसका क्रिया करा देने होगा, इसका ऑक्सीकरण करा देने होगा K2Cr2O7 और तनु H2SO4 की उपस्थिति में। जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो यह आपका बन जाता है HCHO प्लस H2O, यानी कि मेथनॉल से अगर फॉर्मेल्डिहाइड आपसे पूछ दे तो आप आसानी से प्राप्त करेंगे, ये है आपका मेथनॉल और ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। कैसे प्राप्त करेंगे मेथनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड, मेथनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए आपको मेथनॉल का ऑक्सीकरण कराना पड़ता है K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में। तो ऑक्सीकरण के जरिए आप लोग एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हो, यह आपका एक विधि हो गया। आप अन्य रिएक्शन भी लिख सकते हो, एथिल एल्कोहल से एस्टलडिहाइड कैसे प्राप्त करोगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि कैसे प्राप्त करोगे एथिल एल्कोहल से एस्टलडिहाइड, और लिखकर मुझे टेलीग्राम पर भी भेज देना, कैसे प्राप्त करोगे एस्टलडिहाइड से, सॉरी एथिल एल्कोहल से एस्टलडिहाइड, ठीक है। अगर वहीं पे आपसे पूछ दे कि एल्कोहल से या आइसोप्रोपिल एल्कोहल से या एल्कोहल से कीटोन कैसे प्राप्त करेंगे आप, ये तो एल्डिहाइड का सूत्र है ना। देखिए दो प्रकार से होते हैं, ये होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, अगर यहाँ पर एच होता है इसे कहते हैं एल्डिहाइड, अगर यहाँ पर दोनों जगह आर आर सी डबल बॉन्ड ओ तो इसे कहेंगे कीटोन, क्या कहेंगे इसे, कीटोन, इसे कहेंगे एल्डिहाइड। इन दोनों के बीच में बहुत से समानताज भी होती हैं, बहुत से डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए होती हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हो, सभी चीज़ें पढ़ाएंगे धीरे धीरे, एक ही साथ तो नहीं हो सकता ना, एक ही लेक्चर में आप लोग तो गवर्नर बनी नहीं जाएंगे ना, एक ही लेक्चर में आप लोग टॉप भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे अच्छे से मस्ती के साथ में। तो ये आपका, इस एल्कोहल से कीटोन कैसे प्राप्त करोगे, ये तो एल्डिहाइड बन रहा है ना, देखिए कैसे प्राप्त करोगे एल्डिहाइड से कीटोन। एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग कि कैसे प्राप्त करोगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल से एसीटोन, कैसे प्राप्त करोगे आइसो प्रोपिल एल्कोहल से कीटोन, ठीक है, एसीटोन या कीटोन कैसे प्राप्त करोगे। देख लीजिए आइसोप्रोपिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, ये होता है सूत्र CH3CH3CH डबल बॉन्ड ओ, ये होता है OH, ये होता है एक दो तीन, तीन कार्बन हो गया, तीन तीन छः, मतलब
ये आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल, हाँ हाँ ये हो गया आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। इसका हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं, यानी कहीं पर भी अगर आपको अल्कोहल लग जाए या OH दिखाई दे दे तो आपको इससे अगर कीटोन या एल्डिहाइड कुछ भी बनाना हो तो आपको उसका ऑक्सीकरण कराना है K2Cr2O7। देखिए एक चीज़ और ध्यान देना, इस उत्प्रेरक का नाम भी अलग बुक में अलग हो सकता है, कहीं कहीं पर कापर की उपस्थिति में होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक के अल्कोहल में विभेद करने के लिए ये रिएक्शन होते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तो इसकी उपस्थिति में इसकी क्रिया कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा कीटोन, ठीक है, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आपका कीटोन बन जाएगा। तो ये अभी आपका एक कीटोन बनाने की विधि है, वैसे क्वेश्चन में केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि था लेकिन मैंने एक्स्ट्रा करके आपको बता दिया, ठीक है। ठीक है, एक तो रोजनमुंड अपक्रिया हो गया, एक अपक्रिया ये वाला हो गया एल्कोहल से ऑक्सीकरण से, ये वाला अपक्रिया अपचयन से हो रहा था, ये वाला अपक्रिया आपका ऑक्सीकरण के जरिए हो रहा है। आइए दूसरे विधि की बात करें, अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे प्राप्त करेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हेडिंग कर लीजिएगा तीसरा विधि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। आप लोग दूसरे विधि को भी पढ़ सकते हैं लेकिन मैं ऐसे विधियों को बता रहा हूँ जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और अलग अलग जगह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का आप क्रिया कैसे प्राप्त करेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आप लोग किसके साथ में अभिक्रिया करा के प्राप्त करेंगे एल्डिहाइड। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जैसे RMGX ये तो होता है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया अगर हम करा दें HCN की उपस्थिति में, HCN के साथ, ये हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करा दें HCN से तो आपका प्राप्त हो जाता है क्या, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर एल्डिहाइड, ठीक है, ये प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होता है, किस प्रकार से क्रिया होती है, ध्यानपूर्वक समझना, मैकेनिज्म समझना, नहीं तो ये याद नहीं होगा। देखिए RHC ट्रिपल बॉन्ड N इस तरह से लिखते हो HCN को, इसी तरह से लिखते हो आप लोग ना HC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इस तरह से लिखते हो, ठीक है, और इसको RMGX लिखते हो। वैसे अगर हम यहाँ पर इस बांड को तोड़ें, यहाँ पे प्लस माइनस वगैरह ले जाएं तो बहुत बड़ी चीज़ें होंगी लेकिन कुछ लोगों के ऊपर से चला जाएगा। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस R ये आपको दिखाई दे रहा ना, इस R को लेकर आना इस कार्बन के पास में, बैठा देना अच्छे से बैठा देना, जिसे ये बन जाएगा RCN RCH, ये हो गया। और ये जो बचेगा ना इसको उठाकर लेके जाना कार इस नाइट्रोजन के पास में, तो यहाँ पे पहले ट्रिपल बांध था, क्योंकि ये R आके जुड़ा है यहाँ पर, इसे ट्रिपल बांध से डबल बांड हो जाएगा, N हो जाएगा और यहाँ पे MGX हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं, इस R को लेकर जाना है इस CN के पास में, इस R को लेकर आना है यहाँ पर HC के पास में, इस R को यहाँ से HC के पास में लेकर आना है और साथ में लिख देना है, बचेगा N की बात, इस MGX को N के साथ में लिख देना है इस तरीके से। अब क्या करना है आपको, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करना है, इसका जल अपघटन करा देना है। क्या कर देना है, इसका जल अपघटन करा देना है। जैसे ही आप इसका जल अपघटन कराएंगे, तो ये आपका परिवर्तित हो जाएगा। देखना यहाँ पर ये RCH है ना, RCH है, डबल बॉन्ड है, NMGX है, तो ये NMGX हट जाएगा, यहाँ पर आकर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और ये आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट के रूप में RCH
डबल बॉन्ड डो, और बाकी जो बचेगा उसे आप लोग लिख देना, उसका कोई मतलब नहीं है। क्या बचेगा बाकी में? आपका बचेगा बाकी में कि क्या बचेगा बताइए? एम जी एन एच टू एक्स, ये बचेगा, यह आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड बन जाएगा कैसे? एल्डिहाइड प्राप्त किया आप लोग, आर एम जी एक्स का यानी गिग्नार्ड अभिकर्मक का एच सी एन के साथ में अभिक्रिया कराए हैं। जब एच सी एन के साथ में अभिक्रिया कराए हैं तो कैसे हो हुई अभिक्रिया, एक बार और देख लीजिए आप सभी लोग, क्योंकि ये भूल जाता है हमेशा हमेशा। यहाँ पर सब लोग प्लस माइनस करने लगते हैं और प्लस माइनस में कन्फ्यूजन हो जाता है भाई। या तो सीधे याद कर लो यहाँ पर एल्डिहाइड बनता है, क्योंकि आप लोगों को मैकेनिज्म लिखना नहीं होता। अगर सीधे नहीं याद कर लेते हो, ट्रिक के साथ में बैठाते हो, तो आर एम जी एक्स इसे याद कर लेना, और साथ में एच सी ट्रिपल बांध एन इसे याद लिख लेना। अब देखना है यहाँ पर ये जो आर है, ये आर उठेगा और इस सी एन के साथ में अभिक्रिया करेगा, सॉरी सी एच के साथ में अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पर? आर सी एच, ये हो गया। बचेगा ये एम जी एक्स, ये सी एम जी एक्स की क्रिया इसके साथ में होगी। यहाँ पर ट्रिपल बांध था, चूंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आकर जुड़ा है, इसलिए दो बांध बचेगा एन एम जी एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पर आपको? इसका जल अपघटन कराना होता है। जल अपघटन, जल अपघटन, जल अपघटन में क्या होता है? देखिए ये एच टू ओ होता है ना, तो इसमें एच टू ओ में ओ वाला जो प्रोडक्ट होता है इधर आके जुड़ता है और एच टू आकर इधर जुड़ता है। जब ओ वाला इधर आके जुड़ेगा तो आर सी एच डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, और यहाँ पर एच टू आके जुड़ेगा तो एम जी एन एच टू एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एल्डिहाइड प्राप्त होता है किसके साथ में? गिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में। ये रिएक्शन आपको समझ में आया कि नहीं आया? इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, बताइए जरा। अरे बोलो यार, बताओ आप सभी लोग कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? समझ में तो आया ही होगा, काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं इस चैप्टर के यार। ये तीन विधि आपको समझ में आया ना कैसे प्राप्त करोगे? दो विधि, एक तो आपका रोजनमुंड वाला हो गया, एक ऑक्सीकरण वाला बताया, एक मैंने ये बताया, ठीक है। अब मैं एक ऐसा रिएक्शन बता रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आता वो रिएक्शन में क्या है, कि बार बार बोर्ड एग्जाम पूछता है, कभी कभी आपका फिलिंग द गैप्स के रूप में पूछ लेता है, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लेता है, जबकि रिएक्शन में कुछ नहीं है फिर भी पूछता है। क्यों पूछता है मुझे नहीं समझ में आ रहा, इसके बाद मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। इसे नोट करिएगा आप लोग। विधि है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवणों का सूक्ष्म ऑक्सीकरण करने पर, चौथा विधि आपका है। वैसे मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, यह क्या मोनो कार्बोसलिक, मोनो कार्बोसलिक अम्ल के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन करने पर, करने पर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण का सूक्ष्म आसवन करने पर, जैसे आपका ये देखिए एच सी ओ ट्वाइस ये है, ये क्या है? ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण है, यानी ये आपका कैल्शियम फार्मेट है, कैल्शियम फार्मेट, इसका कैल्शियम लवण है। इसको जब हम शुष्क आसवन करते हैं, क्या करते हैं? शुष्क आसवन करते हैं। जब इसका शुष्क आसवन कराते हैं तो आपका बन जाता है, जब इसका शुष्क आसवन कराते हैं तो यह आपका बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, एच सी एच ओ
प्लस में CO2 बाहर निकलता है, प्लस में CO2 बाहर CaCO3 बाहर निकलता है, CaCO3 बाहर निकलता है। तो ये अभिक्रिया होती है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सूक्ष्म कैल्शियम लवण के साथ में सूक्ष्म क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं। अब ये रिएक्शन मुझे नहीं समझ में आता है क्या है इस रिएक्शन में, बार बार बोर्ड एग्जाम पूछ लेता है। और हाँ समझ लेना, एक रिएक्शन इसी का होता है जब यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट को जब सुशासन कराते हैं तो आपका एसीटोन बनता है, और वह जो एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि होता है, प्रयोगशाला में अगर एसीटोन बनाना हो तो कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो आपका एसीटोन बनता है, और यह विधि क्या होता है, आपका प्रयोगशाला विधि होता है। अब पूछता भी है बोर्ड एग्जाम में कि प्रयोगशाला में कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन, तो आप लोग बता दोगे कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं या शुष्क आसवन करते हैं तो आपका बनता है क्या, क्या बनता है, कैल्शियम एसीटेट को जब हम शुष्क आसवन करते हैं गर्म करते हैं तो आपका एसीटोन बनता है प्रयोगशाला में। इसका अच्छा खासा विधि होता है, मैं बताया भी हूँ एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि बाई अल्फा इंस्टीट्यूट, अगर सर्च करेंगे लिखकर यूट्यूब पर तो आपको प्राप्त हो जाएगा, मैं इसे पहले भी पढ़ाया हूँ, ठीक है। वहाँ पर एक फिगर बनता है बड़ा सा, अगर फिगर बनाने लगूंगा तो क्लास का लेंथ खामोखा बढ़ेगा, देख लेना आप लोग। रिएक्शन मैं अभी बता दे रहा हूँ, रिएक्शन क्या है, कैल्शियम एसीटेट CH3CO2CA, ये कैल्शियम एसीटेट है। इस कैल्शियम एसीटेट का जब शुष्क आसवन कराते हैं, शुष्क आसवन कराते हैं तो ये प्राप्त होता है यहाँ पर एसीटोन CH3 CH3 C डबल बॉन्ड, ये एसीटोन प्राप्त होता है, साथ में CaCO3 बाहर निकलता है। ये जो अभिक्रिया होती है, इस ये अभिक्रिया आपका एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। यह अभिक्रिया आपकी एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, क्या है, प्रयोगशाला विधि है, नोट करिए आप सभी लोग इसको। अब इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूं, इतना महत्वपूर्ण अभिक्रिया कि मैं कैसे बताऊं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। अब बार बार बोर्ड एग्जाम पूछता है, उसको बता दो या फिर इसको बता दो, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। एक लेक्चर और लगेगा इस चैप्टर के लिए, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हो गया। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में उसको बताऊंगा। इस लेक्चर में मैं तीन महत्वपूर्ण रिएक्शन, चार क्या, पांच महत्वपूर्ण रिएक्शन एल्डिहाइड के ही बता रहे हैं, ठीक है। चीजें आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं, टेस्ट के लिए सभी लोग तैयार रहना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर पांचवां या छठवां शायद, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ये क्या होता है जब एल्डिहाइड का निम्नलिखित के साथ में रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, तो ठीक है, एल्डिहाइड का निम्नलिखित के साथ में अभिक्रिया लिखिए, एल्डिहाइड का निम्नलिखित के साथ में अभिक्रिया लिखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, आइए लिखते हैं।
किसके किसके साथ में लिखना है। सबसे पहला है आपका टालिन अभिकर्मक के साथ में, के साथ। बताइए कितने लोगों को आ रहा है कि एलडीआई टालिन अभिकर्मक के साथ में क्रिया करके क्या देता है, कितने लोगों को मालूम है बताइए। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दो प्रकार से पूछता है। अब देखिए कोई भी एल्डिहाइड हो वह टालिन अभिकर्मक के साथ में, टालिन अभिकर्मक के साथ में क्रिया करकर, कोई भी एल्डिहाइड हो टालिन अभिकर्मक के साथ में क्रिया करके क्या देता है आपका, रजत दर्पण देता है, रजत दर्पण देता है। कोई भी एल्डिहाइड हो वह टालिन अभिकर्मक के साथ में क्रिया करके रजत दर्पण देता है, क्या देता है, रजत दर्पण देता है। कोई भी एल्डिहाइड हो वह टालिन अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया करके रजत दर्पण देता है। जैसे एग्जांपल में आपका हम लेते हैं एक एल्डिहाइड है RCHO, एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड है, ये टालिन अभिकर्मक के साथ में क्रिया करता है। Ag2O ये टालिन अभिकर्मक है, टालिन अभिकर्मक, ये टालिन अभिकर्मक है, यह एल्डिहाइड है, यह टालिन अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया करता है। एल्डिहाइड के साथ में, इस एल्डिहाइड के साथ में यह टालिन अभिकर्मक अभिक्रिया करता है, करने के पश्चात ये कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, यह आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। यह टालिन अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया करके क्या देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, साथ में आपका रजत दर्पण 2Ag, जिसे रजत दर्पण कहते हैं। इस रजत दर्पण, रजत दर्पण का मतलब क्या है, ये काला अवक्षेप होता है, ये देता है। यानी कोई भी एल्डिहाइड है ये टालिन अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया करता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और रजत दर्पण देता है, काला अवक्षेप देता है। एक बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, देखो मैं जय बार आपको पढ़ाऊंगा, जितने बार भी मैं पढ़ाऊंगा ये चैप्टर, जितने बार अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, कुछ नया चीज़ें बताऊंगा, लेकिन मैटर वही होगा, उसको बताने का तरीका अलग होगा, क्वेश्चन अलग अलग फ्रेम करूंगा। क्वेश्चन अलग अलग फ्रेम करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों के अगर पुराने, मैं इससे पहले भी चैप्टर पढ़ाया हूँ, वहाँ पर जो क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन तो लगभग वही होंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नया लगे, कुछ नया पढ़ें आप लोग, ठीक है, बेनिफिट हो, मेरा ये उद्देश्य होता है। ये तो टालिन अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया हो गया। दूसरा अभिक्रिया में पूछता है कि एल्डिहाइड किसके साथ में, अगर एल्डिहाइड HCN के साथ में, साथ में, यानी कि एल्डिहाइड HCN के साथ में अभिक्रिया करके क्या देता है, ये आपको बताना है। HCN के साथ में एल्डिहाइड कैसे अभिक्रिया करता है, देखिए ये आपका एल्डिहाइड है RC OH, ये एल्डिहाइड है, इसकी क्रिया जब आप HCN के साथ में कराते हैं, HCN के साथ में, तो क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझना, जब इसकी क्रिया आप HCN के साथ में कराते हैं तब आपका यहाँ से यह, देखना इसको समझना कैसे क्रिया होती है, RCH डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O है, ठीक है, यह आपका डबल बॉन्ड O है, RCH डबल बॉन्ड O, ये है आपका, ठीक है। अब यहाँ से HCN, यहाँ पर क्या है, H है और CN, यह H जो है इस O के साथ में क्रिया करता है और ये CN आकर यहाँ पे जुड़ जाता है। आइए जोड़ते हैं उसको क्या होता है, देखिए RCN यहाँ पे हो जाएगा और यह आपका O के साथ में H हो जाएगा, साथ में नीचे H, यह आपका हो जाएगा, इसे साइनोहाइड्रिन कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, साइनोहाइड्रिन, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है, ये बनाता है। यह HCN के साथ में अभिक्रिया करके, एल्डिहाइड HCN के साथ में अभिक्रिया करके एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनाता है, इसका क्या नाम है,
एल्डिहाइड, साइनो हाइड्रिन ये बनाता है, यानी ये आपका एल्डिहाइड HCN के साथ में अभिक्रिया करके एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनाता है। इसे नोट करिए सभी लोग, कैसे होता है इसको भी नोट कर लेना ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट है NaHSO3 के साथ में, तीसरा NaHSO3 के साथ में, NaHSO3 के साथ में एल्डिहाइड NaHSO3 के साथ में क्रिया करके क्या देता है, एल्डिहाइड HCN के साथ में क्रिया करके एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन दे रहा था, तो NaHSO3 के साथ में किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा और क्या देगा ये आपको बताना है। देखिए R C डबल बॉन्ड O H, ये तो आपका एल्डिहाइड हो गया। जब यह क्रिया NaHSO3 के साथ में करेगा तो क्या प्रोडक्ट के रूप में बनाएगा और कैसे बनाएगा ये आपको बताना है, देखना ध्यानपूर्वक ये रिएक्शन कैसे होता है ताकि आपको याद रहे। देखिए R C डबल बॉन्ड O H, ये तो आपका एल्डिहाइड है, इसकी क्रिया जब आपका दिखाई तो दे रहा होगा आप लोगों को ना, NaHSO3 के साथ में कराते हैं तो ये जो यच है ये यच, यह यच आपका क्रिया कराता है इस ओ के साथ में, बाकी NaHSO3 जो है ये आपका जाकर यहाँ पे जुड़ जाता है कार्बन के साथ में, ठीक है। यानी प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, यह आर सी नीचे आपका यच हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ओ और यह आपका यच आकर OH हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और जो बचा हुआ है क्या NaHSO3 यहाँ पर, सॉरी NaSO3 यहाँ पर आके जुड़ जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट बनाएगा, यानी सोडियम बाई सल्फेट इसका नाम है ना, इसके साथ में अब क्रिया करके ये एल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइट यौगिक बनाता है, इसका नाम क्या है एल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइट यौगिक। ये तीनों रिएक्शन लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर। ठीक है, अब दो आपके होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कल, और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल का लेक्चर होगा जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि एल्डिहाइड का फेलिन अभिकर्मक के साथ में क्रिया करके क्या देता है और एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में अभिक्रिया करके क्या देता है, दो क्वेश्चन है। पहला एल्डिहाइड फेलिन अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया करके क्या देता है, एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में अभिक्रिया करके क्या देता है, इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर लिखकर भेजना है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई कीजिए, क्लासेज चल आ रहे हैं और साथ में अपने से मेहनत कीजिए, 90%+ की तैयारी कीजिए तभी कुछ होने वाला है, अन्यथा की स्थिति में कुछ नहीं होगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद आप सभी को। क्लासेज जब ज़्यादा लंबे नहीं करेंगे, एक घंटे की क्लासेज होंगी, एक घंटे तो क्लासेज ले सकते हो आप लोग, देख लिया करो, अन्यथा बहुत पछताओगे आप लोग, बहुत परेशान होगे आगे चल के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।